खुशामदीद और अभी मैं आई हूँ इम्तियाज सुपर मार्केट। यहाँ से कुछ ग्रॉसरी करनी है, कुछ सब्जियाँ लेनी है और घर की भी कुछ चीज़ें लेनी है, तो बस अब अंदर जाएंगे और उसके बाद अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। यार ये तो मैं यूज करती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये वाइटमिन सी वो बास्केट तो देना कुछ। टॉप सेलर प्रोडक्ट इनके क्लॉन्जी थेरेपी सारे मेन टी-शर्ट्स, मेन टी-शर्ट्स वेरी वेरी सस्ता 899 स्टार्टिंग फ्रॉम वुमेन टू पीस 259। अच्छा जी ये टू पीस बुरे नहीं है ये। एक मिनट पकड़ लेना ना, मैं कुर्ता देखें कितना जबरदस्त। और ये है 3000 टू पीस, नॉट बैड। और मैं सच कह रही हूँ यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत ही अच्छे कपड़े मिल रहे हैं और बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बहुत अच्छे और सस्ते। तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये बहुत अच्छे लग रहे हैं वाकई। ये है टू पीस है ये, और ये भी 2000 कुछ का, तो ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। स्टिचिंग भी है, सब कुछ और अच्छा है। ये देखें ये दूसरे भी दो पट्टे के 300-400 के अंदर अंदर ही है। आम ये देखिए जी गर्ल्स कॉर्नर, इतना कोई अच्छा इसमें, ये मैं सोच रही हूँ कबिया के लिए ले लूँ, पता नहीं। अच्छा जी कराची में इतनी ज्यादा गर्मी है, मेरा ख्याल है आउटडोर जो शॉपिंग है उससे बेहतर है कि आप ऐसी जगह आए जहाँ कम से कम एसी लगा हो। तो यहाँ पर ये है कि सुकून है, ठंडक है, गर्मी नहीं है, और अगर सस्ती शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ जरूर आए। अरे देखे जी ये शिला वाला भाई कितने के किधर लिखा हुआ है, ड्रेस जानने चाहिए 559 के। और ये कौन सा है, एक देसी है और एक चाइना का है। और क्या लेना है, पालक, पालक बस ऐसे ही मुझे बता देना ना कौन सी खाली। ये पालक कौन सी खाली,
सच्ची बताऊं तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ये सब ऐसे करना। साफ पत्तों वाली पार्लर एक ही आएगा इसमें। अच्छा सच्ची बताऊं तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ये सब ऐसे करना होता है। लाल लाल गाज और अब मैं लेने आ रही हूँ पुदीना और बहुत अच्छा फ्रेश पुदीना है और इसकी प्राइस है 249 के जी प्राइस। हाँ बस धनिया भी हो गया। हरी प्याज कितनी? हरी प्याज नहीं लेना बस ये सारा हरी प्याज मतलब ये तो पालक के साथ मेथी। हाँ सही है ना हरी प्याज और मेथी मेथी ये सही तो है। काफी सारी मैंने सब्जी ले ली और मुझे सब्जी लेना आ गया। आई हूँ फ्रूट कॉर्नर की तरफ। मुझे मौसमी लेनी है फ्रेश मौसमी। कहाँ पड़ी जूस बनाना लेकिन ये मुझे ना थोड़ा इसका छिलका जैम मोटा लग रहा था ये जूस के लिए सही नहीं है। यहाँ केला जैम है वो सही होता 219 दर्जन मतलब 219 के दर्जन बाहर जो है वो 350 रुपए दर्जन है तो यहाँ से मिलता भाई केला भी लग जाए। मैं लूंगी पपीता क्योंकि पपीता जो है वो बहुत ही अच्छा है स्टमक के लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए वो भी पपीता खाए। ये सूंघ के पता चला है कि ये मीठा है। खरबूजा जरूर लें। खरबूजा जो है वो रमजान में जो एसिडिटी होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अभी जो बहन जो मेरी वीडियो बना रही है मुझे मिन्नत कर रही है कि मैं उसको कुछ फ्रोजन आइटम दूँ। आज जितना इसने काम किया उस हिसाब से छोटा डब्बा आगे काम अच्छा करेगी तो बड़ा वाला बॉक्स लेके दूंगी। अभी इसको छोटा बॉक्स लेके देना। आज इसने मेरी वीडियो बनाई है और वीडियो बनाने के इसको मिलेंगे डॉलर। अच्छा जो भी अपने आइटम लिए हैं वो यहाँ पे इनका वेट होगा उसके बाद आगे जाके फिर बिल पे। ग्रोसरी हो गई डन और अब मैं जा रही हूँ घर। मैंने कोशिश की कि आप सबको मैं बताऊं कि बाहर आउटडोर गर्मी में शॉपिंग करने से बेहतर इनडोर सब्जियां खरीदना बेहतर होता है। नहीं मेरे ख्याल से तो बेहतर था बाहर क्योंकि कराची में भी गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है और रेट्स भी यहाँ कोई ऐसे हाई नहीं थे। तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगी मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपने कॉमेंट में जरूर बताना है। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।